यूपी में नवरात्रि और राम नवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। हाल ही में योगी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर सभी जिलों में रामायण व दुर्गा सप्तशी पाठ के आयोजन का ऐलान किया है। योगी सरकार ने नवरात्रि में अखंड रामचरित्र मानस के पाठ के लिए 1 लाख की राशि देने की घोषणा की है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 1 लाख नहीं बल्कि सभी जिलों को 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जा सकें। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित्र मानस को लेकर यूपी सरकार पर धर्म विशेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अखंड रामायण के आयोजन के लिए हर जिले में 10 करोड़ के बजट की बात कही है, तो इस आशय का प्रस्ताव उनको विधानसभा में लाना चाहिए। और जहाँ तक फ्री सिलेंडर की बात है, आदरणीय योगी जी की सरकार जो वादा करती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको पूरा किया। क्या आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं। ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, 50% का बजट आपका लैप्स हुआ, खर्च नहीं हुआ पैसा। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। किसी भी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है।